अगर आपको भी इस तरीके से लिखा आता है रीडिंग गेम इनफो प्लीज वेट। फ्री फायर मैक्स के अंदर कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे, तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए मुझे इस तरीके से लिखा रहा है, जब भी हम फ्री फायर मैक्स को ओपन करते हैं या फिर यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो गेम हमारा बेसिकली प्ले नहीं होता और इस तरीके का एक इरर हमारे सामने बार बार शो होता है। तो क्या करना है और कैसे इसे ठीक करना है, तो कम्प्लीटली एंड तक वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी और सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकेगी। तो ये वाली प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, इसकी सेटिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको अपना, अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो इसको आप लॉग आउट करके वापस से लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पे लॉग आउट लिखा है तो आप इसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप ब्राउज़र करके और एक रिपोर्ट नेटवर्क इशू, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले क्लियर कैचे इसका आपको कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पे क्लियर कैचे ये हो जाएगा। नीचे है सेंड रिपोर्ट, तो इस वाले बटन पर क्लिक करके आपका रिपोर्ट सेंड कर देना है, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो एक तरीके से वो चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है कि यहाँ पे अपने फ्री फायर को बंद कर देना है, यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है, ठीक है। मिनिमाइज़ वाला बटन अपने मतलब रिसेंट जो ऐप खोले थे उन सभी को बंद कर देना है, और उसके बाद अपने फ्री फायर को वापस से ऑन कर लेना है, ठीक है। इससे पहले आप अपने इंटरनेट को एक बार बंद चालू कर लीजिए, जिससे कि आपका इंटरनेट भी सही से मतलब वापस चालू हो जाए। और इसके बाद अपने फ्री फायर वाइक्स को हम वापस से खोलेंगे, और यहाँ पे मैं आपको एरर भी नहीं आएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रॉब्लम को बड़ी ही आराम से फिक्स कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो गेम को रिस्टार्ट कीजिए या फिर अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए, फ़ोन बंद करके चालू करके देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा।